नमस्कार, मैं सौम्या फेस्टिव फूड रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राखी के त्यौहार में मिठाई और चॉकलेट्स नहीं हो तो फिर तो ये त्यौहार ही अधूरा लगता है। आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इंडिया के अलग अलग राज्यों की फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 8x8 का स्क्वायर टिन लिया है। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर लिया है। आप चाहें तो हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाकर ऊपर से सूखे मैदे को डस्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है 3/4 कप गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे को मैंने इस तरीके की बारीक वाली छन्नी से छान लिया था। एक से दो बार आप छान लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने यहाँ पर इस आटे में ऐड किया है आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही में मैंने डाला है 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा। सोडे को अच्छी तरह से इस तरह लेवल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये डालने के बाद मैंने ऐड किया है 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी कप पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी है, ये मैंने मिक्सी में पीसने के बाद यहाँ पर ऐड कर ली है। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद हम इस बैटर को एक बार अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप जब भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करें तो हमेशा उसको फ्रेश यूज़ करें, कभी भी यूज्ड किया हुआ रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गर्म पानी। तो पानी की मात्रा यहाँ पर डिपेंड कर सकती है जैसा कि क्वालिटी का आपका गेहूँ का आटा होगा। तो यहाँ पर इसको हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे पानी के साथ में, इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी एक साथ मत डालिएगा, इसको बैचेस में डालिएगा, जितना ज़रूरत लगता है उतना ही ऐड कीजिएगा। और ये देखिए हमारा एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। हमें इसे बहुत तेज़ से विस्क नहीं करना है, हल्के हाथों से ही फोल्ड करेंगे। और ये देखिए हमारा स्मूथ सा लम्प फ्री बैटर रेडी है। इसका बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा जाता, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कुछ इस तरह से। इसको हम तैयार किए हुए टिन में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको हल्का सा टैप कर लेंगे 1 से 2 बार ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। और इस तरीके से टैप करने के बाद हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्रीज पर 20 से 25 मिनट के लिए। आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, उसको बेक करने का तरीका ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 25 मिनट इसे बेक किया था। बेक करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है इसी टिन के अंदर और अब मैं इसे अनमोल्ड करूँगी। बेकिंग पेपर लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि बहुत आसानी से आप इसे अनमोल्ड कर पाते हैं। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख के इस तरीके से इसको फ्लिप कर लूँगी एक वायर रैक पर ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो भी निकल जाए। और अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। आप देखिए कितनी पतली लेयर इसकी बनी है, हमें बिल्कुल ऐसी ही लेयर चाहिए इस रेसिपी के लिए। इसको मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से और उसके बाद बीच से हम एक और कट लगा के इसको टोटल 6 पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसके पीसेस छोटे या बड़े अपने साइज टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। और देखिए मैंने इतनी थिकनेस रखी है, कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया है। मैंने इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। उसके बाद मैं इसको निकाल करके अब इसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसके अंदर हम न्यूटेला की फिलिंग करेंगे। अगर आप ये चाहें तो इसकी जगह पर गनाश भी यूज़ कर सकते हैं। गनाश बनाने की रेसिपी भी मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से दूसरी लेयर को रख कर इसको प्रेस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बोल में ली है 150 ग्राम डार्क चॉकलेट और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके हम मेल्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड के इस्तेमाल से इसको मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। और मेल्ट करते समय मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना बटर ऐड किया है। आप चाहें इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा ये सॉस जो है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, इसे स्प्रेड करने में आसानी रहेगी। अब हम इसे एक वायर रैक पर रखकर अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से टैप करेंगे ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो नीचे ड्रिप ऑफ हो जाए। चॉकलेट जब अच्छी तरह से ड्रिप हो जाएगी एक्सेस, तो हम यहाँ पर इसको निकाल करके एक बेकिंग पेपर पर अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। और उसके बाद हम इसे 15 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए।
मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी वाइट चॉकलेट ली है, इसको भी मैंने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया था। इसमें हम थोड़ा सा जेल कलर ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर येलो एंड रेड कलर ऐड करके थोड़ा सा ऑरेंज कलर बनाया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर बना सकते हैं, जैसे आपकी इमेजिनेशन हो वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी के बार्स को रेडी कर लिया था, अब हम इनको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पार्चमेंट पेपर का कोन बनाया है और इसमें मैंने इस चॉकलेट को फिल कर लिया था और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरीके से मैंने सारे केक बार्स रेडी कर लिए हैं। अब हम साइड में थोड़ी सी चॉकलेट लगा देंगे, मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट, और उसके ऊपर हम थोड़े से नट्स यहाँ पर डेकोरेट कर लेंगे। और ये ब्यूटीफुल डिलीशियस सी राखी स्पेशल रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इस तरीके से बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं अपने भाइयों को, ज़रूर पसंद आएगी उनको। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे आने वाले सभी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।